डियर स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में चल रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बहुत प्रैक्टिस की है। बहुत सारे लेक्चर्स इसके डाउनलोडेड है यूट्यूब पर। इसके अलावा इनसे कनेक्टेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो है वो हमने अलग अलग लेक्चर्स में कवर किए हैं। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। तो वैसे तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो पास्ट में जो एरर्स हो गई थी अकाउंट में, उनको एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट करना, रेक्टिफाई करना। लेकिन यहां पर हम सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मिस्टेक्स हो गई है पास्ट में, उनको एरर के एडजस्टमेंट के थ्रू कैसे रेक्टिफाई करना वो हम सीखेंगे। तो एडजस्ट कैसे करते वो बाद में, उसके पहले करेक्ट क्या है, अगर इनकरेक्ट हो जाए तो कैसे उसका इफेक्ट क्या होगा, पहले ये देख लेते फिर उसको रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो ये एक प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्रेडिट में एंट्री है, ये सब पूरा अकाउंट करेक्ट है, पहले बता दूँ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। डेबिट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल की एंट्री है, कमीशन सैलरी की एंट्री है। लास्ट में जो डिफरेंस आता है दोनों साइड का, जिसको डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं, वो 30,000 आ रहा है, उसको पार्टनर्स का रेशियो 3:2 है उस पर डिवाइड कर दिया, डेबिट में 18,000-12,000 दे दिया। ये पूरा करेक्ट अकाउंट है। और ये जितनी भी एंट्रियाँ हमने यहाँ पे करी है ना, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कमीशन सैलरी, प्रॉफिट वगैरह, ये सब एंट्रियाँ यहाँ से जाती है कैपिटल अकाउंट में। ये जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट आया है, ये सब अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसके डेबिट की जो एंट्रियाँ हैं वो सब यहाँ से यहाँ क्रेडिट में आई है। जो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, ये भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो क्रेडिट में लिखा था वही अमाउंट है जो यहाँ पर आके डेबिट हुआ है। अब मिस्टेक देखते हैं। मान लो कि एक मिनट के लिए इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना भूल गए। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, पार्टनर्स में एग्रीमेंट है कि उनको इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, लेकिन हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल डेबिट करना भूल गए। ये देखो मैंने हटा दिया। अगर इसको नहीं हटाया तो क्या हो रहा है, देखो अमाउंट कितना है इंटरेस्ट एंड कैपिटल का, 10,000। अगर ये हम लिखना भूल जाए तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30,000 से 40,000 प्रॉफिट हो गया। अगर हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल डेबिट में नहीं लिखा तो उसका पहला इफेक्ट ये आया कि उससे डिविजुअल प्रॉफिट जो लास्ट पर डिफरेंस आता है डेबिट क्रेडिट का, वो 10,000 से बढ़ गया। जितना इंटरेस्ट एंड कैपिटल हटाया उतना प्रॉफिट बढ़ गया। दूसरा इफेक्ट क्या आया इसका, कि हमने अगर अप्रोप्रिएशन डेबिट में एंट्री नहीं करी थी तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी वो एंट्री नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ वहीं से एंट्री यहाँ आती है। अप्रोप्रिएशन में डेबिट में इंटरेस्ट नहीं लिखा, मतलब हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी नहीं लिखा। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एक एंट्री हमने नहीं क्रेडिट करी है। दूसरी तरफ जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, ये देखो 18,000 एंड 12,000 होना था लेकिन 24,18,000 है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10,000 पे हमने नहीं लिखे थे, इससे डिविजुअल प्रॉफिट बढ़ गया था, तो पार्टनर में अमाउंट जितना क्रेडिट होना था उससे 10,000 ज़्यादा क्रेडिट हुआ है। एक अमाउंट क्रेडिट हुआ नहीं, भूल गए, तो उसके बदले में दूसरा अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया। एक और मिस्टेक करके देखते हैं। मान लो कि हमने कमीशन भी लिखना भूल गए। कमीशन का अमाउंट देखो कितना है, 2,000। अभी तक प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000। ये कमीशन के 2,000 हटा दिया। कमीशन के 2,000 हटाने से प्रॉफिट कितना हो गया, 42,000। अब ये 42,000 पार्टनर्स में डिवाइड हुआ 3:2 में। अब इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्या आया, तो ये कैपिटल, अगर हमने अप्रोप्रिएशन में एंट्री नहीं करी, दूसरा मतलब होता है कि हमने कैपिटल अकाउंट में भी अमाउंट क्रेडिट नहीं किया, वहाँ पे डेबिट नहीं किया, यहाँ क्रेडिट करना भूल गए, क्योंकि एंट्री तो पूरी खत्म हुई थी। तो एक अमाउंट इधर इसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ जो 2,000 हमने कमीशन कम लिखी थी उससे प्रॉफिट बढ़ गया था, वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर में क्रेडिट हो गया, इंक्रीज्ड अमाउंट क्रेडिट हुआ, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो अगर कोई एक अमाउंट भूल जाओ तो उसके चक्कर में दूसरा अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो जाता है। तो पैसा तो पार्टनर्स में ही गया है, पार्टनर को पैसा तो पूरा मिला है, बस ये है कि उनको इंटरेस्ट के नाम पे पैसा नहीं मिला, कमीशन के नाम पे नहीं मिला, उतना प्रॉफिट उनके प्रॉफिट के नाम पे उनको मिल गया। लेकिन फर्क ये पड़ा इससे कि जितना जितना पैसा उनको मिलना था, जितना जितना पैसा उनको मिलना था उतना उतना न मिलकर कुछ 3:2 के रेशियो में उनको अमाउंट मिला, जो उनका शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में अमाउंट मिला।
इसका फर्क ये पड़ा कि किसी को अमाउंट ज्यादा मिल गया, किसी को अमाउंट कम मिला। टोटल तो उन दोनों पार्टी को उतना ही अमाउंट डिवाइड हुआ है, वो कम ज्यादा नहीं हुआ है, न कम न ज्यादा। सिर्फ उनके बिटवीन किसी को ज्यादा किसी को कम मिला, सिर्फ ये हुआ है। अगर कोई इसमें एरर हो गई है तो मैं बात फिर से कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर जब भी कोई एरर हो जाती है, जब भी कोई एरर हो जाती है तो वो मिस्टेक के चक्कर में पार्टनर का प्रॉफिट कम नहीं होता है। प्रॉफिट तो हमको 38,000 आया था, 38,000 ही उनके बिटवीन डिवाइड हो रहा है, किसी भी ढंग से देख लो। क्योंकि हमने तो ये प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाया, 38,000 इसके अंदर प्रॉफिट लिख दिया। अब ये हम इंटरेस्ट के नाम पे, कमीशन के नाम पे, सैलरी के नाम पे, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे इन सब में डिवाइड कर रहे हैं। कोई एक एंट्री के नाम पे पैसा नहीं दिया तो वो तो लास्ट में जाकर डिविजिबल प्रॉफिट में बढ़ के वो प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो प्रॉफिट तो सब में उतना ही डिवाइड हुआ है। फर्क इतना है कि अगर कोई एक एंट्री नहीं कर रहे हैं और दूसरी एंट्री में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका उसका फर्क ये कि किसी को पैसे ज्यादा किसी को कम मिल रहे हैं। कैसे रेक्टिफाई करेंगे इसको? तो एक मिनट के लिए हमने माना इंटरेस्ट कैपिटल और कमीशन की एंट्री, ये दोनों अमाउंट देख लीजिए। इंटरेस्ट कैपिटल 5,000 दोनों का टोटल 10,000 है और सिर्फ इदलिस की कमीशन है 2,000। ये हमने एंट्री भूल गए, ये लिखना भूल गए। इससे प्रॉफिट बढ़ गया, वो पार्ट टाइम क्रेडिट हो गया और इन कमीशन और सैलरी की एंट्री, इंटरेस्ट और कमीशन की एंट्री पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल देखिए कैसे बनती है। एडजस्टमेंट टेबल दो पार्टनर से, तो पर्टिकुलर और दो पार्टनर के कॉलम बना दिए। पहले तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो जो अमाउंट क्रेडिट करना भूल गए पार्टनर्स में वो लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम हेडिंग देंगे अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड मतलब जो जो क्रेडिट करना है, यानी जो जो क्रेडिट करना भूल गए थे। तो हम पार्टनर्स के अकाउंट में एक तो इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट करना भूल गए थे, जो अमाउंट था 5,000 एंड 5,000। दूसरा इदरीस के कॉलम में कमीशन लिखना भूल गए थे 2,000। तो टोटल पार्टनर्स को कितना क्रेडिट करना है जो हम भूल चुके हैं। इदरीस को 7,000, तो मेहर को 5,000 क्रेडिट करना है। तो जो जो चीजें हम उनको क्रेडिट करना भूल गए थे वो हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। बदले में कुछ अमाउंट मिस्टेक से क्रेडिट ज्यादा भी हुआ है वो हमें फिर डेबिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्रेडिट ज्यादा हुआ, अमाउंट बता देता हूं, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। तो अगर हमने 7 प्लस 5 टोटल 12,000 होता है, अगर 12,000 अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखे थे तो 12,000 से डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया था। जो लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट था ना, लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट था 42,000, जबकि ये करेक्ट तो 30,000 है। हमने दो एंट्रियाँ नहीं करी है इसलिए 30 की जगह पे ये 42,000 आ रहा है, और 42,000 आ रहा है मतलब 30,000 डिवाइड होने की बजाय 42 डिवाइड हो रहा है, 12,000 ज़्यादा डिवाइड हो रहा है पार्टनर में। तो 12,000 अगर ज़्यादा डिवाइड हुआ है तो पार्टनर में क्रेडिट भी ज़्यादा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5,000 और कमीशन के 2,000 नहीं लिखे, टोटल 12,000 अगर नहीं लिखे, तो 12,000 से हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, जो बाय मिस्टेक पार्टनर्स में क्रेडिट हो गया था। तो इंक्रीज्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट 12,000। शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, 3:2। क्वेश्चन में दिया रहता है रेशियो, जो भी है, नहीं हो तो इक्वल मानना है। तो 12,000 रुपीज़ प्रॉफिट बढ़ गया था, जो पार्टनर में 3:2 उनका रेशियो है उस रेशियो में क्रेडिट हो गया था। यानी कितना कितना क्रेडिट हुआ था, 12,000 7,200 और 4,800 पार्टनर्स में बाय मिस्टेक क्रेडिट ज़्यादा हो गया था। दूसरी तरफ 7,000 5,000 क्रेडिट करना है जो नहीं हुआ था क्रेडिट। तो अब क्या करें वो समझते हैं। तो पहले तो ये जो अमाउंट रॉन्ग क्रेडिट है इसको डबल लाइन स्केच करके इसको बंद कर लेते हैं पहले। अब हम क्या करते हैं, देखिए इदरीस को क्रेडिट कितना करना है जो भूल गए थे 7,000। दूसरी तरफ बाय मिस्टेक इदरीस कितने से क्रेडिट हो गया, रॉन्गली कितने से क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हुआ 7,200। बात को फिर समझिएगा कि इदरीस के अकाउंट में 7,000 क्रेडिट करना है,
इंटरेस्ट और कमीशन के, जो बाय मिस्टेक क्रेडिट नहीं हुए थे। दूसरी तरफ इस मिस्टेक से जो प्रॉफिट बढ़ गया था तो वो पार्टनर में बाय मिस्टेक क्रेडिट हुआ था और वो है 7200। एक तरफ से 7000 क्रेडिट करना है तो दूसरी तरफ 7200 जो रॉन्गली क्रेडिट हो गया था, फाइनली 200 क्रेडिट ज़्यादा हुआ है। 7000 क्रेडिट हुआ नहीं, 7200 क्रेडिट हो गया। फाइनली दोनों अमाउंट को देखे तो इनका डिफरेंस 7200 है। 200 रुपीज ज्यादा क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कर दो, मिस्टेक सुधर जाएगी। सेम मेहर के लिए, मेहर को कितना क्रेडिट करना है हमको, 5000, लेकिन बाय मिस्टेक क्रेडिट कितना हुआ, 4800। रॉन्गली क्रेडिट कितना हुआ, 4800। 5000 क्रेडिट करना है, 4800 बाय मिस्टेक क्रेडिट हुआ है, 200 क्रेडिट कम हुआ है, क्रेडिट कम हुआ है तो हमने ये क्रेडिट कर दिया। और मेहर में ज्यादा क्रेडिट हुआ था तो डेबिट कर दिया। अब इसकी एंट्री बना के देखते क्या बनेगी इसकी एंट्री। तो एंट्री को नाम दिया जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री को नाम क्या देंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या, यहां पे मेहर डेबिट हो रहा, एड्रेस डेबिट हो रहा है 200 से, तो मेहर क्रेडिट हो रहा है 200 से, तो एंट्री बनेगी एड्रेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 टू मेहर्स कैपिटल अकाउंट 200। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई, एड्रेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेहर्स कैपिटल अकाउंट। अब वैसे तो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट पूछा हो तो ही बनाना है, पर एक बार हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में देखें कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कैरी होके आया है वो 45200 and 49800 है, जो कि गलत है। दो एंट्रियां नहीं हुई है, उस चक्कर में अमाउंट चेंज हुआ है। तो एंट्री क्या बनी थी, हम उसको इसमें रख के देखते हैं। एंट्री बनी थी इद्रिस डेबिट टू मेहर 200, तो इद्रिस को हम डेबिट कर देते हैं, मेहर जैसे पोस्टिंग करते हैं लेजर में वैसे ही मेहर के नाम से इद्रिस को डेबिट किया। इद्रिस को डेबिट करना है क्योंकि, और मेहर को क्रेडिट करना है तो मेहर क्रेडिट हो जाएगा इद्रिस के नाम से। टू हंड्रेड, अब बैलेंस निकाल के देख लेते हैं। तो टू बैलेंस सीडी, बैलेंस निकाल के देखते कितना आता है। तो ये हमने इद्रिस को 200 से डेबिट कर दिया और मेहर को 200 से क्रेडिट कर दिया। जो उनमें अमाउंट कम या ज़्यादा डेबिट क्रेडिट हुआ था वो एडजस्ट कर लिया। अब उनका बैलेंस आ रहा है, जो करेक्ट बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस आ गया, यानी 45000 और 50000 बैलेंस आ गया। इस ढंग से अगर प्रीवियसली अगर कैपिटल अकाउंट में कोई भी मिस्टेक हुई हो, प्रीवियसली कैपिटल अकाउंट में कोई मिस्टेक हुई हो, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो गई हो, तो इस पार्ट में हमको एडजस्टमेंट नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन अगले पार्ट में होगा, क्योंकि बैलेंस तो कैरी हो चुका है नेक्स्ट ईयर में, बैलेंस तो नेक्स्ट ईयर में कैरी हो चुका है। जितना भी अमाउंट हमने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया था डेबिट कर दो, जितना अमाउंट हमने क्रेडिट कम किया था क्रेडिट कर दो और फिर से बैलेंस निकाल लो, ये सही हो गया। चार्ट में अगर पास्ट में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको रिक्टिफाई करने का तरीका है कि पहले तो एक एडजस्टमेंट टेबल बना लो, पर्टिकुलर के अलावा जितने पार्टनर हो उतने कॉलम बना लो। उसके बाद अमाउंट इज टू बी क्रेडिट एक हेडिंग दो, अमाउंट इज टू बी क्रेडिट, इसमें जो जो चीज़ें क्रेडिट करना भूल गए थे वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखते जाओ। उसके बाद में अगला हेडिंग दो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। अब जितना अमाउंट क्रेडिट करना भूल गए थे उतने से ही प्रॉफिट बढ़ गया था, वो रॉन्गली क्रेडिट हो गया था, तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट के हेडिंग के अंदर, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट के अंदर उसको इंक्रीज एनडीपी के नाम से डिवाइड कर दो। उसके बाद टू बी का अमाउंट और रॉन्गली का अमाउंट दोनों कंपेयर कर लो। अगर अमाउंट रॉन्गली ज़्यादा क्रेडिट हुआ है, जैसे कि इद्रिस के यहाँ पे हुआ है, तो उसको डेबिट कर दो। अगर अमाउंट कम क्रेडिट हुआ है, जैसे कि मेहर में 200 क्रेडिट कम हुआ है, तो उसको क्रेडिट कर दो और इसके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, डेबिट और क्रेडिट कर दो जैसा कि एंट्री में ऊपर आया था। उसके बाद अगर कैपिटल अकाउंट बोला हो तो उसको बना के उसमें पोस्टिंग भी कर दो। तो उस केस में कैपिटल अकाउंट का सिर्फ सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, पहला पार्ट तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था।
ये वाला पार्ट इतना सा बनेगा, ये ऊपर वाला पार्ट हमको दिखाना ही नहीं, वो तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये वाला पार्ट बन जाएगा उसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने एक मिस्टेक ली थी कि अगर कुछ लिखना क्रिएट करना भूल गए तो, इसके भी हम बहुत सारी और प्रैक्टिस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद में अगर कुछ बाय मिस्टेक क्रिएट हो गया हो तो इसका उल्टा वो वाली मिस्टेक्स भी लेंगे हम आगे चलकर। तो आने वाले लेक्चर्स भी आप देखते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।